हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट लेके आ चुका हूँ आरआरबी की तरफ से। जूनियर इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट 2024 में अपकमिंग जॉब अपडेट लेके आ चुका हूँ, जिसमें 7000 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है। आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी इस बार की अपडेट निकल के आया है, जिसमें 7000 वैकेंसी, जहाँ पे आपको बताऊँगा इस बार की जो है ये अपडेट बहुत जल्द नोटिफिकेशन आरआरबी की तरफ से पब्लिश होने वाला है ऑफिशियली। बट अभी के लिए जो ये जो है प्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, जिसमें 7000 वैकेंसीज है, जिसमें 10, 12 पास करके कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। 14 जुलाई 2024 से उम्मीद करता हूँ ऑफिशियल अपडेट जो है आने वाला है। तो एक बहुत बड़ी मौका है, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो डेफिनेटली आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन करना होगा। एंड इस बार की अपकमिंग जो जॉब नोटिफिकेशन आने वाला है इस आरआरबी जेई की तरफ से, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक एक जानकारी, जिसमें सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों अगर बात करने वाला हूँ आरआरबी की तरफ से अपडेट की, रेलवे की तरफ से बहुत सारे रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। रेलवे ने खुद इसको जो है जाहिर कर दिया गया है कि क्लियरली इस बार 2024 में बहुत सारे पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट उससे पहले है, जिसमें 7911 वैकेंसीज है। इसमें आप लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें एप्लीकेशन करने के लिए जुलाई और सितंबर के बीच में आपका एप्लीकेशन शुरू होने वाला है। मैंने जैसे कि बताया है जुलाई के अंदर जो है आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वो आ सकता है। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जिसके लिए आपको मैं बताऊँगा कि आप लोग अभी से जो है आपका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। बैचलर डिग्री क्वालिफाइड कैंडिडेट, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया है कि 10, 12 पास इस तरह की क्वालिफ़िकेशन लेके भी आप लोग रेलवे में जॉब करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री क्वालिफाइड कैंडिडेट को चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग में है तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे एप्लीकेशन करने के लिए। एप्लीकेशन करने के साथ साथ आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो डेफिनेटली कैंडिडेट को जो है यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 से 33 ईयर्स तक की एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको भी ध्यान में रखिएगा, 18 से 33 ईयर्स तक के। और यहाँ पर आपको एज रिडक्शन भी मिलेगा एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते 18 से 33 ईयर्स तक की आपका एज रिडक्शन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। एससी एसटी होने के लिए 5 इयर्स, ओबीसी होने के लिए 3 इयर्स तक की एज रिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन करने के लिए आपको बहुत जल्द मिलेगा आप लोग एप्लीकेशन करने के लिए। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। इंडियन रेलवे की तरफ से इस बार जेई की जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें अगर बात किया जाए कि यहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2 इस तरह की जो है ऊपर इस तरह की जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर बेस करके आपको एग्ज़ाम लिया जाएंगे। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्लियरली देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सीवीटी टेस्ट के ऊपर बेस करके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। फेज़ 2 के लिए भी सेम रहने वाला है। यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, आपको मैथ, इस तरह की जो सब्जेक्ट होने वाला है होता है उस सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है क्वेश्चन आने वाला है। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका एडुकेशन क्वालिफाई
क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट प्रूफ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। इसी के साथ एप्लीकेशन डेट भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस इस बार आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको 500 रुपीज़ फॉर जनरल, 250 रुपीज़ फॉर SC ST कैंडिडेट को आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है जमा कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो, बहुत जल्द आने वाला है अपकमिंग जॉब रेलवे की तरफ से। अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है उसको भी देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे आपको मिलेगा जो है जॉब अपडेट। आज के लिए इतना ही, अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, हर बार की तरह जैसे कि आपका कॉमेंट का रिप्लाई मैं दे देता हूँ इस बार भी दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।